हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको इस पौधे को कटिंग लगाने के बारे में आपको बताऊंगी कि इस पौधे का कटिंग कितना अच्छा से और कितने बढ़िया तरीके से लगेंगे। तो आप बरसात के मौसम में सोचती होगी दोस्तों कि ये कटिंग किस तरह से लगेंगी, इस पौधे का कटिंग क्यों लगेगी। तो आप अगर इसको लगा कर देखते हो तो ये बहुत ही अच्छी कटिंग इसका लगती है दोस्तों। तो मैं आज आपको इस पौधे का कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाना चाहिए। बरसात का मौसम है, आप हर कोई कटिंग लगा कर दिखा सकते हो क्योंकि इस तरह का पौधा है। फिर ये देखिए हमारे ये अड़हुल का पौधा है, इसका भी कटिंग बहुत ही अच्छे तरह से लगती है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो हमारे वीडियो पर। आप यदि मेरी वीडियो को देख रहे होगे तो इस तरह से देखिए कड़ी पत्ती का कटिंग भी लगते हैं, ये बीज से भी उगा सकते हो। और भी देखिए इस तरह से मैंने अपनी बागवानी में लगाया है। ये देखिए हमारी इस तरह का ये मैंने येलो कलर का इसका फ्लावर निकलती है। ये हमारे देखिए हर सिंगार का पौधा है, इसकी कटिंग भी लगाया जाता है कि आप इस तरह से भी कटिंग लगा सकते हो। और भी इस तरह से मेरे तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको लगाकर बताती हूँ कि किस। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से इस कटिंग मैंने आपको लगाकर दिखाती हूँ। आप सोचते होगे दोस्तों कि मैंने हर पौधे का कटिंग लगाती हूँ पर लगते नहीं हैं, वजह क्या है, आपको लगने का कारण क्या है, आप कारण को नहीं समझ पाते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कारण क्या है। तो दोस्तों देखिए ये हमारी कलियाँ आई हुई है, इस तरह के कलियाँ वाला यदि यहाँ से काट कर लगाती हो तो ये बिल्कुल भी आपको ग्रो नहीं करेगी। ये टहनी का जो है वो आपको पुराना से ही पुराना लेना है क्योंकि ये साल दो साल पहले का अगर इसका टहनी लेते हो तो वो पौधे आपको बहुत ही अच्छे ग्रो करेगी और अच्छे तरीके से ये पौधे आपको लगेगी। बरसात का मौसम है, ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। तो चलिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ से ये पुराने डाली है, लगने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको पौधे को देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसको क्या करना है, इसकी पत्तियां को कट कर लेना है। इस तरह से आप कटिंग कर ले तो देखिए मैंने इस तरह से सारी पत्तियां को निकाल लिया है। अब ये दो मेरे पास दो टहनियां इस तरह से मैंने कट कर रख ली है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से मैंने जैस्मीन पौधे का कटिंग दो कट कर लिया है। अब ये देखिए हमारे कड़ी पत्ता है, इसका भी दो कटिंग करना है। इसका भी मैंने पुराना डंठल लिया है। और ये हमारे हैं गुल्हड़, अड़हुल जिसे हमें बोलते हैं, इस अड़हुल का कटिंग मैंने लिया है। इसको भी देखिए इस तरह से इसकी कलियां लगी हुई है और इस कलियों को भी बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। तो इसको भी कट कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका कट भी करना है। आपको किस तरह से करना है तो आप यहाँ से कर ले, जैसे कि ये भी मैं दो कट कर ली है। अब इसको क्या करना है कि इसके दो पत्तियाँ निकाल ले क्योंकि पत्तियाँ इसके ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने पत्तियाँ को निकाल ली है। अब देखिए इस तरह से मैंने दोनों इस कलियां को, ये मेरे गुल्हड़ का कटिंग है और ये हमारे जैस्मीन का कटिंग है और ये हमारे देखिए इस कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता का भी कटिंग आपको लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कड़ी पत्ता का भी ये कट कर लिया है और इसके जो छोटे छोटे टहनियां हैं वो आप निकाल कर इसको साफ़ कर दे, जैसे कि देखिए मैंने इस तरह से इसको निकाल ली है। तो देखिए इसके जो, तो देखिए दोस्तों ये मैंने इस तरह से मैंने इस कड़ी पत्ते का कटिंग लिया है, दो मैंने गुल्हड़ का कटिंग लिया है और ये दो मेरे जैस्मीन का कटिंग ली है। इस मैं तीनों कटिंग का आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको ग्रो करना है। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से तो कट तैयार कर लिया है। अब इसको ग्रो करने के लिए मैं बताती हूँ। तो एक डब्बे लिया है, इसमें मैंने थोड़ी से पानी डाल रही हूँ, इस तरह से थोड़ी पानी डाल ली, जैसे कि आधा डब्बे तक होना चाहिए। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैंने रूटिंग हार्मोन लाई हूँ तो इसको क्या करना है, इसमें चुटकी भर डालनी है। तो चलिए मैं आपको डाल कर दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से डालनी है। ये रूटिंग हार्मोन है तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है और डालने के बाद मैं इसको मिला देती हूँ। इस तरह से आपको मिलाना है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तो मिला दिया है। अब इसको क्या करना है, ये हमारे जो जैस्मिन का कट है उसको डाल लेनी है। ये हमारे गुल्हड़ का जो कटिंग है उसको मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये हमारे जो कढ़ी पत्ता है उनका कटिंग इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और इसको कम से कम आप 10 से 15 मिनट के लिए, इसमें आप कम से कम 2 घंटे के लिए डालकर छोड़ दें। ये इसका रूटिंग हार्मोन क्या होगा दोस्तों, ये पौधे का जो रूटिंग हार्मोन है वो इनकी जड़ तक पहुँचेगी, और ये इसको मैं लगाकर आप। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस तरह से इसमें 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए, इसमें मैंने ये बोतल है, जैसे आप घर में पानी पीते हो उस बेकार बोतल को आपको कट करके इसको तैयार कर लेना है। ये नीचे से छिद्र कर देना है पानी निकलने के लिए हल्का, और जब वो छिद्र करने के बाद उस छेदा को क्या करना है आपको बंद कर देनी है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए इस तरह से अंदर तक एक एक करके गड़ दे, जैसे कि तीनों पौधा, जैसे मैंने आपको जैस्मिन और ये कटिंग लगाकर मैंने बताई हूँ, उस तरह से इसके पौधे में आपको क्या करना है, एकदम अंदर तक गड़ देना है। और ये हमारे गुल्हड़ का कटिंग है, इस तरह से आपको सबको कट करके इसमें लगाना। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस तरह से ये दोनों डब्बे में मैंने कटिंग कर इसको डाल दी हूँ। अब इसको क्या करना है आपको, कि ये रूटिंग हार्मोन का जो पानी है उसको आपको इसमें डाल देना है। दोनों में आप अच्छी तरह से डाल दें, और डालने के बाद आप 2 से 3 दिन के लिए आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालेंगे। और ये देखिए, इस तरह से इनके कटे हुए ढक्कन जो है, जैसे मैंने बोतल को काट कर तैयार किया है, उसको आपको यहाँ ढक देनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ढककर, इस तरह से आप ढक लें, और भी मैं एक ढक कर दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से आप इसको भी ढक लें। तो दोस्तों इस तरह से आपको ढक देना है। ये इसके जो यहाँ से मैंने ढक्कन खोल कर रखी है, इसके द्वारा यहाँ हवा ग्रो करेगी, और ये फूल अच्छी तरह से, ये पौधे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पौधे कितने अच्छे ग्रो किए हैं। और इनकी देखिए, यहाँ से मैंने डाल दी हूँ, और आप इसको आप 3 से 4 दिन तक आप पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये पौधे में हवा के द्वारा ये ग्रो अच्छे से करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाई हूँ कि ये बोतल, खाली बोतल, बेकार बोतल में आप किस तरह से इस पौधे को ग्रो करने से आप इसको बढ़ाओगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको मेरी जानकारी कैसा लगा, अरे अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।